कर भाई रे, हाँ ज्ञान भाई दे रहा हूँ। अच्छा दिमाग आपका है, काम भाई का है। हाँ, अच्छा भाई इसमें अपने लग रहे हैं रॉकफोर्ड T2, एक वूफर 1200 RMS का, 1200 और ऐसे सही है। लगेंगे भाई आगे से आ रखी है ये भाई अपनी 0 गेज की वायर, बहुत मोटी वायर है वाला। तो हाँ ये देखो मोनो तो हमारा 24 से डॉट बोल बने। रहा हो जाएगा, और तीनों मोनो की करके एक्स साइड की भाई अपनी बैटरी है 100 AH की, और बाकी ऐसी दो कुछ भाई बैटरी है। बैटरी ऐसी दो लगेंगी। लेकिन ये इतने सारे बीच में ये सपोर्ट है ना, ये तो इससे क्या पेटी भगेगी नहीं पहले। तो थोड़ी सी बैटरी को राहत देता था ये, अच्छा क्योंकि पुराना बहुत पुराना चलता था, अब तो घर कोई नहीं लगा। ये रही सारी वायरिंग भाई, 0 गेज डाली है सब में, ये देख लो प्रॉपर। अपनी अपना फट्टा कुछ ऐसा रेडी हुआ है जो पिछले मतलब क्लिप में आपने देखा होगा। इधर क्या है कि भाई अपनी 4 मिनट लगेंगी टोटली, और यहाँ साइड में लग जाएंगे ट्विटर। वेलकम बैक टू अवर चैनल गाइस, कैसे हो मेरे सारे भाई। और आज हमने भाई फोन पकड़ा दिया प्रतीक भाई के हाथ में, क्यों भाई? हाँ भाई, हम कभी कभी कैमरामैन बन जाते हैं, ऐसी कोई दिक्कत थोड़ी है। भाई सही है। हाँ जी, तो भाई देखो, स्टोर पे हमने भाई आपको एक से एक सेटअप दिखाए हैं, और 2 वूफर 3 वूफर ये सब दिखाया है, पर आज अपने स्टोर पे भाई जो गाड़ी आई है ब्रीज है, उसमें हम लगाएंगे भाई 4 वूफर और बिल्कुल आर पार वाले। बढ़िया तो मैं भाई, ये एक रहे बार ना शुरू से बता देता हूँ। देखो देखो, सबसे पहले भाई ने पेटी दिखाई थी, तो यहाँ दिखा देता हूँ। हाँ जी, वाइपर ऑडियो की भाई ट्यून पेटी यहाँ पे रखी है। पेटी कैसी है और इसको क्या बोलते हैं प्रतीक भाई, बताओ। फ्लैट बैंड। फ्लैट बैंड। हाँ, इस फ्लैट पेटी बैंड, को फ्लैट बैंड बोलते हैं। फ्लैट ये बैंड। भाई ऐसे कैसी गाड़ी में रख देगी जैसे हाँ, मतलब अभी रखी है जो भाई दो तरह हमारे। के सेटअप होते हैं जब स्लिट हाँ उतर जाती है, फ्लैट बेड और एक वॉल सेटअप। तो ये फ्लैट बेड भाई, पहले अब देखो सीट तो भाई लगने से रही, नहीं सीट नहीं लगेगी सीट तो सर। लगेगी नहीं क्योंकि पेटी इतनी बड़ी है, हाँ 4 वूफर इसमें लगेंगे। पेटी देख लो भाई, ठीक ठाक तगड़ी बहुत बन बढ़िया रखी है बना भाई, रखे बहुत भाई, तगड़ी और ब्रेसिंग व्रेसिंग सब कर रखी। ब्रेसिंग तो है खैर ना। नहीं कर रखी भाई ने, लेकिन ये इतने सारे बीच में ये जिन ये सपोर्ट है ना ये, तो इससे क्या पेटी भगेगी नहीं पहले। तो ये बूफर ही ऐसे रखे जाएंगे तो ये पेटी वैसे भी नहीं भगनी सही कहीं। बात है। और देखो अब इसमें भाई जैसे इतना बड़ा सेटअप लग रहा है, तो लिथियम की मैं क्या ही बात करूं, इसमें पर 2 बैटरी लगेंगी भाई एक्स्ट्रा। प्रतीक भाई ये चीज समझा दो हाँ बैटरी जी, दिखाने से पहले, कि जो अपनी आगे जो बैटरी है हाँ जी, वो यूज में रहेगी नहीं रहेगी? रहेगी नहीं, वो भी यूज में रहेगी। वो भी यूज तो कहने वाले 3 बैटरी तीन बैटरी, आ जाओ भाई, क्योंकि भाई ठीक मैं ठाक बता देता हूँ, ये जो ब्रीजा हमारी ये डीजल रहने वाली है, तो इसका अल्टरनेटर पेट्रोल के हिसाब से काफी ठीक ठाक और बढ़िया रहता है। तो दिक्कत खैर रहती है, देखो अगर सीरियस बात यह है कि अगर लिथियम रहती तो थोड़ा वेट कम रहता हमारी गाड़ी में, हाँ। और जो लिथियम बैटरी रहती है ना भाई, वो चार्ज बहुत जल्दी होती है। और एक बार यहाँ से दिखा देता हूँ फिर भाई, पीछे इसका सारा सामान रखा है भाई। भाई डैम्पिंग तो पहले से हो रखी है इसमें, डैम्पिंग भाई ने पहले करा रखी, पहले करा पहले से रखी है। करा रखी है। हाँ, और इसमें भाई हमने ये सिल्वेस्टर लगा दी, ये सब भाई ने पहले से करा रखी है। और हमने इसमें भाई ये लगाई ना, वो क्या बोलते हैं, वफल वाटर बोलते हैं, गार्ड, वाटर गार्ड वफल। वफल तो चारों गेटों में ये लगा दिए भाई, ये अच्छे रहते हैं। ये कोई इतनी बड़ी चीज नहीं है कि बड़े सेटअपों में लगती, ने बेसिक सेटअप होता है उसमें भी लगती मतलब है। मेन भाई ये पानी से बचाने के लिए है, जो थिम्बलों में ना वो जंग टाइप ना लगे जिसमें हम तार जंग ना लगाते हैं। लगे और हमारी मिट्टी ना खराब हो, हाँ हाँ मेन तो हाँ यही रहता चलो है। आगे तक के लिए मतलब सही हो जाता है। और बाकी देख लो भाई कुछ ऐसा इधर स्पेस है, और बाकी जो ये आप देख रहे हो ये प्रॉपर भाई यहाँ पे लगेगा। हमने मतलब एक दो वीडियो में दिखाया भी है, जैसे भाई एक दो गाड़ी में हमने लगाया भी दो है। चार गाड़ी में तो हमने हाँ, लगा लगाया है, तो उसके भाई ये सारी वायर इधर आ रखी है। इधर क्या है कि भाई अपनी 4 मिनट लगेंगे टोटली, और यहाँ साइड में लग जाएंगे ट्विटर। कौन से ट्विटर लगेंगे, कौन से मिनट लगेगी वो दिखा देता हूँ। बाकी भाई गैरेट के हम वायरिंग जैसे हमेशा से यूज करते हैं वही अपनी वायरिंग है, बाकी स्पीकर वायर देख सकते हो। और ये देख लो जो भाई अपने पीछे बैटरी में आएगी, आगे से आ रखी है, ये भाई अपनी 0 गेज की वायर, बहुत मोटी वायर है, और यही कामयाब है। हाँ मतलब इससे ऊपर देखो कोई वायर नहीं है, जितने भी बड़े सेटअप कर लो वायरिंग यही रहती है 0 गेज। मैंने अपनी ब्रीजा में भाई ये नहीं डाला कि मैंने अपनी वायर डाल रखी ब्रीज के नाम है 3500 की, लेकिन इन भाई के पास थी, क्योंकि ये पहले पूरा सेटअप जो था भाई की पुरानी वाली गाड़ी में टैगोरा में था, तो उन वो गाड़ी मेरे घर में 10 साल पुरानी होगी, शायद यही रीजन होगा तो हटाने का। तो उससे अब भाई ने सीधा ब्रीजा पे शिफ्ट कर दिया सामान सारा हमारा, सामान सारा ये रहा, अभी दिखा देता हूँ। बाकी यहाँ पे बैटरी रखी है, एक्स साइड की भाई अपनी बैटरी है 100 AH की, और बाकी ऐसी कुछ भाई बैटरी ऐसी दो लगेंगी, एक ये रखी है और एक ये रखी है, और साथ ही साथ ये रहा भाई वूफर। भाई इसमें अपने लग रहे हैं रॉकफोर्ड T2, एक वूफर 1200 RMS का, और ऐसे लगेंगे भाई चार, देखो वो रखे भाई। ये तो मतलब वूफर भी जैसे हमने उठाए थे, उठा के देख रहे थे, तो बहुत ज्यादा भारी है ये, जितने भी 1200 RMS के बूफर घूम रहे मार्केट में। हाँ 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 उन सब बूफरों में ये सबसे भारी बूफर है, सबसे भारी बूफर है, बजने में भी और वजन में भी। वजन में नहीं, बजने का तो मुझे नहीं पता, बजने के लिए तो आज ये बहुत पुरानी टेक्नोलॉजी है, सही बात है, लेकिन ये वेट भाई बहुत है। अब तो वैसे आने बंद हो गए ना भाई वेट, मुझे तो लगता नहीं भाई नहीं आते, वैसे मुझे पता नहीं, आते भी लेकिन काफी टाइम हो गया मैंने नहीं देखा। सही बात है। बाकी इधर आ जाते हैं, ये भाई कुछ सामान जो इसमें लगना है, एम्प वगैरह यहाँ पे रखे हुए हैं, और मोनो थोड़ी मोनो की इसमें दिक्कत रहेगी, जैसा कि क्योंकि इसमें भाई हम 3 मोनो लगा रहे हैं, जो अपने भाई इसलिए लगा रहे हैं कि भाई एक तो 2400 जैसा आपको दिख रहा होगा ये वाला, तो हाँ देखो तो 2400 डॉट हो जाएगा, तीनों मोनो की करके
और जो दो मोनो के वो फोर वाले तो वो सिंगल सिंगल बजेंगे। अच्छा अच्छा, वो सिंगल सिंगल उनसे बजेंगे। और बाकी यहाँ पे अपने पायनर के 2150 भाई, ये ओवली बोलते हैं ना हेलमेट, भैया इन्हें तो कोई अंडा बोला है, हेलमेट बोलते हैं ना ज्यादातर। वैसे ये बहुत बढ़िया स्पीकर है। और भाई वैसे मैंने तो इनकी जैसे आवाज वगैरह सुनी नहीं है, आप एक और बताओ। बढ़िया है, बढ़िया। चलो ये ऐसे बूफर है, बूफर कह रहा हूं, ऐसे स्पीकर है कि छोटी मोटी गाड़ी में बूफर का काम कर देते हैं। अच्छा, और बाकी MTX पंकोडियो वगैरह के यहाँ पे ब्लड ट्विटर रखे हुए हैं भाई, ये रही सिल्वेस्टर MTX की मिड वगैरह भाई के पास, ये और ऑस्ट्रिका ये वाला 80.4 80 RMS पर चैनल पे, मेरे हिसाब से तो बहुत अंडर पावर है। अच्छा, मैं किसी को भाई ज्ञान तो ना दे रहा, मैं खुद बता रहा, लेकिन मेरे हिसाब से अंडर पावर चल रहा है। अच्छा अच्छा, और बाकी इसकी मेड है 80 RMS पर चैनल का, अभी सेटअप हो रहा है, वायरिंग हो रही है, बाद में काफी सारा सामान चेंज होगा। अच्छा, तो भाई बता रहे हैं कि भाई इसमें अभी फिलहाल वायरिंग हो रही है, अगर हुआ तो इसमें थोड़ा बहुत सामान भी चेंज हो सकता है, हो सकता है। अच्छा, और बाकी क्लैरियन का भाई क्रॉस ओवर, ये भी लगेगा इसमें भाई, ट्राई करेंगे अगर जरूरत पड़ेगी तो, क्योंकि इसमें वैसे ही मतलब वो 84-90 और वो लग रहा है ना इसमें डिकोडर। चलो, और भाई एक बार इसके बारे में समझाओ थोड़ा, ये भाई बहुत पुरानी चीज़ है, बोतल के बारे में कैपेसिटर बोलते थे। वैसे ये किस काम आता है, मतलब वैसे मैं बताता हूँ, बैटरी जो हल्की पड़ती है ना, या ड्रॉप आता है या लो जाता है, तो थोड़ी सी बैटरी को राहत देता था ये। अच्छा, पुराना बहुत पुराना चलता था, अब तो खैर कोई नहीं लगा, तो बहुत कम दिखते हैं, मतलब भाई ने लगा रखे हैं, दो लगा देंगे, हमें जरूरत है नहीं। तो चलो वायरिंग वगैरह अब शुरू करते हैं, मतलब इसमें काम शुरू करते हैं भाई, जो भी है भाई। बाकी टाइम कितना हो रहा है भाई, टाइम भाई 11:30 हो गए, देख लो 11:30 हो रहे हैं। चलो तो भाई काम करते हैं, और जैसे जैसे आगे भाई करते हैं काम, जो भी होगा वो मैं आपको सब भाई, अब मैं बताता हूँ गाड़ी में क्या क्या हो चुका है, और उससे पहले बता देता हूँ कि भाई अब मैं समझ गया, ये हमें चिढ़ा रहे। तो भाई ये नेक्स्ट डे, उस दिन मतलब हमने संडे को भाई काम करा था पूरी रात, और सुबह 6:30 बजे हम घर गए थे ना भाई, लेट हो गए भाई, क्योंकि हमने ये सोच के काम करा था कि जितना खींच सकता है इतना खींच लो, क्योंकि कल मंडे है, घर पे सोना है, 2-3 बजे तक काम करेंगे। हाँ, लेकिन हम काम करा सुबह छह बजे तक। हाँ, तो चलो भाई एक बार मैं अंदर दिखा देता हूँ, डिग्गी विग्गी सब वैसे ही खुली हुई है, पीछे से दिखा देता हूँ, पेटी अंदर रख दी है। वूफर भाई कसे है या अभी नहीं कसे ना? तो भाई आराम से कसे, मतलब एक बार चेक करेंगे। हमने भाई कल जब हमने काम करा था, तो इसके वूफर के हमने सारे कनेक्शन, सारी वायरिंग, मोनो वोनो सब कर लिया था, तो वूफर भाई ये रहे, और मैं यहाँ से एक बार एम्प वगैरह दिखा देता हूँ। सही, मतलब एक एक चीज हमारे जो भाई हैं प्रतीक भाई, हाँ। वो ऐसे कर रहे हैं बिल्कुल कि भाई दोबारा खोलने का बिल्कुल मन नहीं है, इसीलिए भाई कर पता क्या है? कर भाई रहे। हाँ, ज्ञान भाई दे रहा हूँ। अच्छा, दिमाग आपका है, काम भाई का है। हाँ। अच्छा अच्छा, चलो तो भाई यहाँ पे प्रॉपर हीट स्ट्रिंग लगा के ये देख सकते हैं भाई, अपने सारे हो गए मोनो जो भाई वूफर चलाएंगे, जिससे ये रही सारी वायरिंग भाई, जीरो गेज डाली है सब में, ये देख लो प्रॉपर अपनी, और बाकी फट्टे में ये कस दी हैं, और जो वूफर वायर है वो भाई ये आ रही है कुछ ऐसी। भाई वूफर वायर मैंने इसमें वो कितने गेज की डाली है, चार गेज की है ना, वूफर वायर 4 गेज की डाली है हमने। जो लोग, अगर मैं वैसे बताऊं तो छोटे मोटे जब सेटअप लगते हैं उसमें मोनो में जो 4 गेज की वायरिंग लगती है, वो हमने भाई वूफर में डाली, क्योंकि वूफर अपने हैवी हैं, और हैवी एम से ही चल रहे हैं, डायरेक्ट बैटरी से भी चलेंगे, तो इस वजह से। और बाकी मैं तो काम अच्छा होगा, सच बिल्कुल मजा आएगा जो भी, और मैंने काम कर रहे भाई, हमें भी हाँ। के लिए मिल रहा है, पहली हमारी गाड़ी ऐसी है जो फ्लैट बेड। हाँ। और देख लो भाई प्रॉपर थिम्बल सब में, और हीट स्ट्रिंग के साथ, मतलब अब तो भाई हीट स्ट्रिंग लगानी है बिल्कुल, लगाते थे हम पहले भी थे, लेकिन इतने बड़ा जब सेटअप रहता ना तो ये जरूरी है, बहुत तो इसमें जरूरी है। चलो अब एम्प दिखा देते हैं भाई, जो अपने वोकल का सेटअप है वो मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, भाई कर रहे हैं बढ़िया तरीके से, ये देख लो भाई, ये अपने हो गए डिस्ट्रीब्यूशन ब्लॉक। भाई ये कौन सी कंपनी के हैं डिस्ट्रीब्यूशन ब्लॉक? कनेक्ट के। अब तो आते नहीं, आप कह रहे थे बहुत कम मिलते हैं देखने के लिए, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन ब्लॉक की शॉर्टेज है या आते ही नहीं है, कोई बनाते नहीं? शॉर्टेज बहुत है। ये तो भाई का सामान था, भाई पे पहले थे, और ये वाला, हाँ एक जो भाई बहुत पहले लग रहा था, तो वो एक लग रहा था, उससे 4 एम। बाकी ये रहे भाई सारे 4 चैनल, 4 ही 4 चैनल लगे हुए हैं, सारे ही मतलब अच्छे खासे हैं। और बाकी यहाँ पे जो ये पेटी आप देख रहे हैं भाई, इसमें लगेंगे ओवल पाइनर के। भाई पहले आपने मना करा था कि ओवल नहीं लगाएंगे भाई, मना तो हमने अभी करा था, लेकिन जिन भाई की कार है कि यार इन्हें लगा दो भाई, मैं करूंगा। अच्छा अच्छा, कह रहे थे कि लगा ही दो, मतलब है ना। बाकी यहाँ से दिखा देता हूँ, देख लो भाई कुछ ऐसे करते हैं वायरिंग बढ़िया तरीके से। इसमें भाई हम हकीकत में बहुत मेहनत से कर रहे हैं काम। हाँ, क्योंकि एक ये कार और एक कार और हमारे पास, वो भी आएगी हमारे पास,
वो दोनों कार भाई बहुत तगड़ा सिस्टम है। अच्छा, एक एक चीज ऐसे दिखाएंगे यूट्यूब पे, जैसे आदमी कहते हैं ना कि वो आदमी बहुत तगड़ा काम करता है, तो इस काम को देख के हमें आदमी ये कहेंगे कि नोएडा में एक आदमी बैठा है वो बहुत तगड़ा काम करते हैं। तो हम अपना काम क्यों भाई, भाई पूरे जी जान से लगे हुए, बोल भी नहीं रहे। मैं यही बोलने वाला था, क्योंकि मेरे को पता है जब थार का सिस्टम लग रहा था ना, जो कोटा शायद इस्माइल भाई आए थे, तब मैं भाई से पूछ रहा था, मैंने सब कुछ दिखा दिया, मैंने कहा भाई आप तो कुछ बोलो, हम नहीं बोलते कुछ, हमारा काम बोलता है। तो भाई हकीकत में देखो काम ही बोल रहा है। अच्छा, जब भाई बोलते हैं कंट्रोवर्सी हो जाती है, यही होता है। अभी देखना भाई ये कुछ ऐसा आप देख रहे हो, सारी वायरिंग जब हो जाएगी ना फिर दिखाऊंगा, इतना मतलब बढ़िया लगेगा, सुंदर एकदम, एक एक वायरिंग तो दिखेगी नहीं, सिर्फ करेक्ट होती हुई दिखेगी कि वहां से वहां जा रही है। पूरी गाड़ी में कहीं नहीं दिखेगी जो बात है। हाँ देख लो भाई, इतने कुछ मोटे मोटे दाम, बहुत ही मोटे हैं, इतने मोटे मोटे। चलो भाई जीरो गेज कह देते हैं, इससे ऊपर कोई वायरिंग नहीं है भाई, और इसमें पूरी गाड़ी में भाई कोई बिजली की तार नहीं है, पहले बता रहे हैं। इसमें सारी मतलब वो कार ऑडियो वाली, कार ऑडियो वाली। चलो, क्योंकि हम तो लगा देते हैं, क्योंकि हर एक आदमी का अपना अपना बजट है। अभी अभी आप क्या कह रहे थे, मैंने बिना रुके 3.5 मिनट का व्लॉग बोल दिया। हाँ जी, मेरा तो 4.5 मिनट से ऊपर हो गया। बट मैं बोल रहा हूँ ना तेरे साथ। अच्छा, नहीं मेरे कहाँ बस की है। अरे मैं तो घंटा का व्लॉग बना सकूँगा। और भाई एक चीज और बता देता हूँ कि 4 एम्पो के लिए सेपरेट फ्यूज दिया है, जो कि अपना 100 एम्पियर का है। ठीक है भाई, इतने बहुत है, छोटे छोटे। बढ़िया, चलो। तो भाई एक बार मैं फ्रंट से बता देता हूँ कि हमने इसमें और क्या करा भाई, ये देख सकते हो आपकी गैरेट की 0 गेज की वायर आ रखी है, जो भाई सीधे बैटरी में जाएगी यहाँ से, और बाकी जो एक ये वायर है ये भी भाई सीधे बैटरी से जा रही है, और इसमें भाई हमने लगा दिया ये 150 एम्पियर का फ्यूज। भाई फ्यूज बहुत जरूरी है, मतलब हमने भाई इसकी एक एक वायरिंग में फ्यूज लगाया है, इतने सारे फ्यूज लगाए हैं जिसकी कोई गिनती नहीं है, क्योंकि भाई ये सब बहुत जरूरी है जब ऐसा कुछ सेटअप होता है। तो बाकी इधर तो मैंने आपको दिखा दिया था भाई, अपना फट्टा कुछ ऐसा रेडी हुआ है जो पिछले मतलब क्लिप में आपने देखा होगा, बाकी इधर रखा हुआ है अभी। और ये चीज देख लो भाई, प्रॉपर इसमें भाई स्लीव डाल के अपने जैसे 4 चैनल हैं, मतलब 4 चैनल के 4 ही एम्प हैं, तो सब में ही ये देख सकते हो कि भाई सेपरेट सब में भाई फ्यूज दिया गया है। और बाकी ये आप देख लो भाई, हीट स्ट्रिंग चढ़ा के बढ़िया मतलब एकदम सही काम करा है, जो भाई आगे तक भी कोई दिक्कत ना आए। और यहाँ की यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन ब्लॉक तो दिखा दिए थे भाई, ये अपने पॉजिटिव का है, ये अपने नेगेटिव का है। तो बाकी मैं इसके बाद दिखाता हूँ भाई, ये देख लो कि यहाँ पे भाई अपने 2150 ये भी लग चुके हैं, मतलब भाई ने बोला था कि ये भी लगे। भाई पहले तो आप मना कर रहे थे भाई, इनकी गाड़ी उनकी डिमांड आई, उनकी डिमांड आ गई तो लगा दिया है ना। और ये चीज देखो भाई, मतलब भाई इतनी स्लीव डाल दी, इसमें गिनती नहीं है फ्यूज की स्लीव की, बहुत जगह हमने डाली है। और ये बिल्कुल भाई ऐसे पत्थर हो चुकी है, मुड़ेगी भी नहीं, जैसे होता नहीं कि भाई मुड़ के कट जाती है, अब कोई वो चक्कर नहीं रहेगा बिल्कुल भी। मोनो वगैरह अपने यहाँ पे हैं, बाकी इसके अंदर भाई बैटरी लगा दी है। और भाई कितने फ्यूज लगाए बैटरी के साथ साथ भाई, टोटल तीनों मोनो पे एक एक फ्यूज है, 150 एम्पियर, 150 एम्पियर का एक एक फ्यूज तीनों मोनो पे। जो अगली बैटरी से आ रहा है 200 एम्पियर का एक है। अच्छा, 200 का एक है, और तो 4 चैनल में 0 के जा रही है, उस पर 150 का है, उन पे ये 150 ये 150 के भाई। अच्छा अच्छा, चलो ये भाई, ये वाले सुनो, इस पे जो डायरेक्ट आ रही है, हाँ, इन पे 150 एम्पियर जो मैंने आगे वो दिखा दिया, 4 एम्पो पे अलग से 100 के भी, ये 100 एम्पियर के है ना, जो चार अपने 4 चैनल पे हैं। तो चलो बढ़िया। तो भाई अब मतलब हो गया है क्या, ये अंदर से आएंगे, ये वाले वायर सब अंदर से आएंगे, अभी हमने बार से चालू करेंगे, सारी चेक करेंगे, सेटिंग करेंगे, अभी हमने ये सारा कुछ खोलेंगे और फिर 0-0 करेंगे, फिर अभी हमने चेक कर रहे हैं, क्योंकि भाई देखो हम 90% का काम हो जाएगा, एक एक चीज चेक करने के बाद ही भाई उसे ना फिर पक्का काम करेंगे, बाद में बहुत दिक्कत हो जाएगी, ये खुलते नहीं है बार बार, हाँ बार बार ये खोले नहीं जाते। बाकी देख लो भाई कुछ ऐसा, जब ये हटेगा ना तो मैं आपको अंदर से बैटरी वगैरह दिखा दूंगा, और कितने फ्यूज लगाए हैं वो भी चेक करा दूंगा। तो कुछ ऐसा भाई ये सेटअप होगा कि अपने वूफर की पेटियां, उसके बाद ये मोनो का फट्टा जिसपे मोनो लगे हुए हैं, उसके बाद ये ओवल लगे हुए हैं, इसी के अंदर बैटरी वगैरह है, उसके बाद ये आएंगे भाई। मेरे ख्याल से तो सीट आगे पीछे भी नहीं होगी, क्या चीज़, मतलब जो यहाँ पे अपनी 2 सीट लगेंगी वो आगे पीछे भी नहीं होगी, मुश्किल है। बाकी भाई पे ये भी था, ये नहीं लगाएंगे, मतलब सामान तो भाई पे इतना है, ये कैपेसिटर वगैरह भी है। प्रतीक भाई ये लगाओगे नहीं लगाओगे, ये कैपेसिटर ना कोई नीड नहीं है, नीड नहीं है ना इसकी, बहुत पुरानी है। चलो भाई ये तो अब नए आते भी नहीं है, बहुत पुराने, कम से कम भाई 10 साल या 8-8 साल पुरानी चीज है ये। चलो जो भी आगे होता है वो मैं आपको दिखाऊंगा। भाई इसकी वोकल चालू हो चुकी है, पता नहीं मेरी आवाज आ रही है नहीं आ रही।
बाकी तो भाई अभी ना सिर्फ चार मिड बज रही है जो हमने पीछे लगाई ना भाई पट्टे में, वो चार मिड बज रही है। बाकी गाड़ी में अगर मैं टोटल स्पीकर बताऊँ ना तो भाई 16 स्पीकर हैं इसमें, और उनमें से अभी चार ही बज रहे हैं, चारों गेटों के बंद हैं, अपने ओवल बंद है और ट्विटर बंद है। बाकी सेटिंग करते हैं फिर उसके बाद सुनाता हूँ वोकल, वैसे भी सबको 0-0 करना बाकी है।